આપણે જે કમલ નયન દાસજી છે તેમની સાથે વાત કરીશું. સાધુજી ક્યા કહે ગે અભી આપને એક બડા નિવેદન દિયા હે રાષ્ટ્ર કે બારે મે કલમ 30 કે બારે મે બડા નિવેદન દિયા હે ક્યા કહે ગે હર વ્યક્તિ કે લિયે સમાન સંહિતા લાગુ હોના ચાહીએ ये धारा 30 धारा 30 ये मंदिर विधेयक ये राष्ट्र के विरोध में होना चाहिए. इसकी तैयारी हो चुकी है, ये जल्दी जाएगा निश्चित बात है. जब तक समान संहिता नहीं आएगी तब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून या कुछ भी लागू नहीं हो सकता है. एक समाज के लिए शरीयत है, एक समाज के लिए संविधान है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने एक बड़ा निवेदन दिया है कि मंदिर का दान मंदिर में ही रहना चाहिए, ये सभी मंदिरों के आप बात कर रहे हैं? नहीं, हम सब मंदिरों की बात कर रहे हैं. सब कुछ राष्ट्र का है, राष्ट्र का है, राष्ट्र के लिए सब कुछ है. लेकिन भेद नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए. जो मंदिर विधेयक में संविधान में ऐसा कहा गया कि इतना प्रतिशत पैसा ईसाई मिशनरियों को, इतना पैसा मस्जिदों और मौलवियों को दिया जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो सरकार में नहीं जाना चाहिए मंदिर का जो दान है? हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं. सब कुछ राष्ट्र का है, राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, पूजा पाठ है, सब कुछ है. राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं. राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सब कुछ भी कर सकते हैं,